थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अब आपका बैक पेन लास्ट इंजरी है द बैक पेन विज फेल्ट इन द बैक यूजली ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉन जॉइंट एंड मसल्स एक्सेट्रा जो भी बैक पेन है आपके बॉन में या जॉइंट में या मसल्स में कोई इंजरी हो जाना इट मे भी इन द सर्वाइकल सर्वाइकल होता है नेक थोरेसिक और लंबर रीजन लंबर रीजन होता है जो आपका नीचे के पोर्शन की तरफ जो आपके बैकबोन का मिडिल पोर्शन होता है इनफैक्ट बैक पेन इज नॉट ओनली द प्रॉब ऑफ अवर कंट्री बैक पेन की प्रॉब्लम हमारी कंट्री की नहीं है बट इज ऑल इज ऑल्सो जर्नली ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया की प्रॉब्लम अब इसका प्रिवेंशन ऑफ बैकपेन फर्स्ट है इसका ताडासन ताड़ासन हम ऑलरेडी

योवर राइट हैंड बिहाइंड योअर बैक जो भी राइट right हैंड है वो आपका बिहाइंड द बैक बैक की तरफ जाएगा एंड लेफ्ट आर्म ओवर द राइट नी जो लेफ्ट आर्म होगा ओवर द राइट नी की तरफ होल्ड योवर राइट एंकल और राइट एंकल को होल्ड करेंगे ट्विस्ट योअर ट्रंक टू द राइट साइड फिर आपको ट्विस्ट होना है राइट right साइड की तरफ टेक सफिशेंट सपोर्ट ऑफ लेफ्ट आर्म रिपीट द सेम प्रोसीजर विद लेफ्ट साइड पहले हम राइट right साइड करेंगे फिर वही प्रोसीजर हम लेफ्ट साइड करेंगे बेनिफिट फर्स्ट है इट इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ बोध स्पाइनल एंड नर्वस सिस्टम जो भी आपके फंक्शनल होते हैं स्पाइनल और नर्वस सिस्टम वो इंप्रूव होते हैं सेकेंड इज इट प्रिवेंट्स एंड कंट्रोल डायबिटीज जो भी आपकी डायबिटीज होगी वो कंट्रोल होगी जब वहां वक्र आसन करोगे थर्ड इज इट स्ट्रेंथ द किडनी किडनी की स्ट्रेंथ होगी नेक्स्ट इट हेल्प इन रिड्यूसिंग बैक पेन जब वक्रासन करेंगे तो बैक पेन रिड्यूज होगा एंड शोल्डर पेन नेक्स्ट इज इट रिड्यूज हिप फैट जो भी हिप पे फैट होगा वो रिड्यूज हो जाएगा अब है कॉन्ट्राइंडेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाई ब्लड प्रेशर होगा वो वक्र आसन को परफॉर्म नहीं करेगा सेकेंड इज प्रेगनेंट वोमेन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन जो प्रेग्नेट वोमेन होगी उसे भी ये परफॉर्म नहीं करना आसन थर्ड इज दिस आसन शुड नॉट बी परफॉर्म हु सफर फ्रॉम सीरियस बैक इंजरी अगर आपको सीरियस कोई बैक इंजरी है तब भी आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना थर्ड है सलबासन प्रोसीजर है ले डाउन पीछे की तरफ लेट जाते हैं इन प्रोलइंग पोजिशन कीप थाई जो भी आपके हैंड्स होंगे वो थाई के नीचे आ जाएंगे रेजिंग योर लोअर बॉडी एंड होल्ड फॉर सम टाइम जब आपके हैंड्स नीचे आ जाएंगे थाई के फिर आपको लेग्स को अप करना है और एंड होल्ड फॉर सम टाइम और कुछ समय के लिए उस पोजिशन को आपको रोकना होगा अब हैसन के बेनिफिट्स फर्स्ट है आपका इट इंप्रूव पोस्टर जो आपका बॉडी पोस्चर है वो इंप्रूव होगा सेकेंड इज इट हेल्प्स इन रिलीव स्ट्रेस अगर आपके आपके ऊपर स्ट्रेस है ज्यादा तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा नेक्स्ट इज इंक्रीज द लेग स्ट्रेंथ लेग स्ट्रेंथ की पावर बढ़ेगी आपकी नेक्स्ट इट प्रिवेंट्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो वो भी प्रिवेंट होगा रोकथाम होगी उसकी शलबासन करने से नेक्स्ट है इंक्रीज एबडोम स्ट्रेंथ जो भी आपकी है, पेट की जो मसल्स होती है, वो क्या होगी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी अब फर्स्ट स्पाइन जो भी बैकबोन है अगर वो वीक है आपकी शुड अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन फिर आपको इसकी इसका प्रैक्टिस नहीं करनी आपको आसन की सेकेंड इज द इंडिविजुअल विद ए वीक हार्ट अगर आपकी आपका हार्ट कमजोर है शुड अवॉइड द प्रैक्टिस दिस आसन थर्ड इज द इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड अवॉइड द प्रैक्टिस दिस आसन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तब भी आपको ये परफॉर्म नहीं करना फोर्थ है आपका भुजंग आसन भुजंग आसन हम ऑलरेडी डिजीज में करा चुके प्रोसीजर बेनिफिट कॉन्टेंडिकेशन लिख के ऑलरेडी डन इन अबाउट डिजीज फिफ्थ है आपका अर्धमत्सन ये भी हम ऑलरेडी करा चुके प्रोसीजर बेनिफिट कॉन्टेंडिकेशन लिखना है ऑलरेडी डन इन अबाउट डिजीज यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका थर्ड